मम्मी ये तकिया? हाँ इसी रूम का है, वो मुझे चाहिए था तो मैं ले गई थी, पर अभी आपको जरूरत होगी ना। थैंक यू मम्मी। थैंक यू किस बात का पुत्र? यहाँ आने के लिए, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। लेकिन मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी। क्यों? मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। क्यों मम्मी, थोड़े दिन तो रुक जाइए मेरे पास प्लीज। क्या करूँ रुक के, मेरा और मजाक उड़वाना बाकी रह गया है क्या? नीति मैं यहाँ आई थी कि तुझे तेरा हक मिल जाए, सब कुछ करने को तैयार थी तेरे लिए, तुझे यहाँ से सबसे लड़ाई करके ले जाने को भी तैयार थी, लेकिन तुझे तो जाना ही नहीं था। और जब जाना नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मम्मी आपने देखा ना कैसे संजू इस घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया, मैं क्या करती? उसने जो करना था ना उसने कर दिया। लेकिन निधि तुझे थोड़ा सख्त बनने की जरूरत थी, सख्ती से पेश आना था तुझे। सोच भी नहीं सकती कि मेरी नीति इतनी कमजोर हो सकती है। अरे चला जाता तो आ जाता एक दो दिन में। नहीं मम्मी, उसने मुझे कहा कि एक बार वो यहाँ से जाएगा ना तो कभी वापस नहीं आएगा, और वो किसी को बताएगा भी नहीं कि वो कहाँ गया। मैं ऐसे उसे अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकती, आप जानती है मैं प्यार करती हूँ उससे। उधर उसने परी से शादी की, इतना बड़ा सच तुझसे छुपाया, उसके बाद भी? उसके बाद भी बहुत प्यार करती हूँ संजू से मम्मी। अभी मैं उसे नाराज हूं और गुस्सा हूं लेकिन नफरत नहीं करती उससे। लेकिन मम्मी मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह से रिएक्ट करोगे, मुझे तो लगा था कि आप खुश हो जाओगे कि मैं यहाँ रह रही हूँ। नीति तुझे कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन तूने तो मेरा गुमान ही तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नीति इतनी जल्दी हार मान जाएगी। अब देखना तू, इस घर के लोग तेरी कैसी कदर करते हैं, देख लेना। मम्मी प्लीज ये सब मत बोलो, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ तुझे, तू समझने को तैयार नहीं है। चुप कर जाइए प्लीज, मुझे नहीं सुनना है। नीति सुना आपने? देखो क्या हो गया है इसे, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। आप देखना वो दिन दूर नहीं है जब इसकी हालत पिंड की उन लड़कियों की जैसी हो जाएगी जो अपनी पति की मार खा खा कर मर जाती हैं। देख लेना। बोल क्या रही है तू, तुझे तो नीति का साथ देना चाहिए। अरे माँ होकर तू उसका घर बर्बाद करने पे तुली है, हद हो गई है। नीति जो भी बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही है। सही बोल रही है? जी हाँ। नीति का यहाँ रहना आपको कहाँ से सही लग रहा है? नीति का यहाँ रहना ही सही है, बिल्कुल सही है, परी का रहना सही नहीं है। तुम बात की गहराई को समझने की कोशिश करना सुखविंदर, परी के लिए नीति अपना घर क्यों तोड़े और अपने पति से क्यों अलग हो? क्योंकि कई बार चीजें दूर रहने से ठीक हो जाती हैं। कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं दूर रहने से। अभी तुझे मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी लेकिन जल्द ही समझ आ जाएगी, ठीक है? अब रात बहुत हो गई है, तू सो जा और नीति का साथ दे, उसका साथ देने का सोच, ठीक है? हाँ ठंडे दिमाग से सोच, चल गुड नाइट। रखो इसको। ये लो। तुम? हाँ मैं। तुम ऐसे क्यों डर रही हो जैसे किसी भूत को देख लियो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्यों डर रही हूँ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नीति और उसकी मम्मी जी यहाँ पे इसलिए परेशान हो। वो बात नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई परी। कौन सी बात? तुम डरती क्यों हो कि हमें कोई साथ देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? मैं इसलिए नहीं डरती कि कोई हमें साथ देख लेगा, मैं इसलिए डरती हूँ कि कोई बस हमें अकेले ना देखे। अकेले देख लेगा तो तुम जानते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मुझे नहीं पता फारी।
बताओ। नीति को पता है कि हमारी शादी हो चुकी है। उसे पता है कि हमारी शादी हो चुकी है, और जैसा वो सोचती है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यू नो इट, कुछ गलत काम है ना, पर जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं तो हम क्यों छुपाएं? पर ये हमारा रिश्ता बहुत ही प्योर है, अगर हम इसे छुपाएंगे या छुपाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को गलत लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन नीति, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ, और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी केयर करना नहीं छोड़ सकता हूँ। परी, और एक और बात, नीति की मम्मी जी को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। नहीं राजीव, नीति की मम्मी जी मेरी भी तो छोटी माँ है, मुझे उनके किसी बात का बुरा नहीं लगा। अच्छा सुनो, नीति के लिए दूध लेके जाओ। क्या होया जी, क्या सोच रहे हैं? तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। ठीक है तो फिर यहां सो। ये तो बस ऐसे ही आ गए। 10 बजे गल की है। पता है मम्मी, पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में इतना सब कुछ हुआ है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि हमारे घर के नॉर्मल दिन फिर से वापस लौट के आएंगे, या हर रोज सुबह एक नई मुसीबत, एक नया बवाल मुंह खोल के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। सच में आज ना मुझे फिर से महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी ना फिर से पटरी पर आ जाएगी। आपने सही कहा जी, परे नीति और संजू एक ही छत के नीचे रहेंगे हमारे आँखों के सामने। उनके बीच में जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ और गलत फहमियाँ हैं वो भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगे। लेकिन तुझे इतना दिन बाद मुस्कुराते देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। देख मम्मी, तू ना इस घर की नींव है, तेरे इन कंधों पर पूरे घर का बोझ है। तू जरा भी कमजोर पड़ गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाना है। मैं चाह के भी ना तेरे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तेरी मुस्कुराहट मुझे हिम्मत देती है, और बच्चों के बीच में जो सब कुछ ठीक रहता है तो सुकून मिलता है। और अब तो उम्मीद है कि बस सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इससे ज्यादा मैंने और की चाहिए? कहीं आप मेरे मुंह से तो नहीं सुनना चाहते कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ आप मुझे मिले? ओ नहीं नहीं पम्मी, ओ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तू मुझे मिली। जिंदगी की हर मुसीबत में तू मेरे साथ थी, आज भी तू मेरे नाल खड़ी है। बस जी, बच्चे भी इसी तरह एक साथ रहे एक छत के नीचे और खुश रहे, मेरी तो रब से बस हर वक्त यही अरदास है। रब ने तेरी सुन ली है। नहीं मम्मी नहीं, तू चाहे कितनी भी दुआ कर ले, जब तक मैं यहां पर हूं इस घर में खुशियां तो कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। अगर मेरे होते हुए भी यहाँ सब कुछ ठीक चलने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा, तो फिर मेरे यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? जब तक मैं यहाँ पर हूँ, संजू और नीति को कभी एक नहीं होने दूंगी। सुलोचना का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है पम्मी, खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। नीति, मैं यहाँ आई थी कि तुझे तेरा हक मिल जाए, सब कुछ करने को तैयार थी तेरे लिए, तुझे यहाँ से सबसे लड़ाई करके ले जाने को भी तैयार थी, लेकिन तुझे तो जाना ही नहीं था, और जब जाना नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी।
क्या हुआ नीति, तुम्हें कुछ कहना है? नीति नीति प्लीज प्लीज, तुम रो क्यों रहे हो नीति? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कहो, मैं हूं ना। सच में? सच में, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एंड थैंक यू नीति, अपने संजू को अपने पास रखने के लिए। उसने जो करना था ना उसने कर दिया। नीति तुझे थोड़ा सख्त बनने की जरूरत थी, सख्ती से पेश आना था तुझे। उसने परी से शादी की, इतना बड़ा सच तुझसे छुपाया, उसके बाद भी अभी तो मैं रुक गई, पर कल का पता नहीं। नीति भरोसा रखो मुझ पे, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम पे भरोसा करके ही तो रुकी हूं संजू, पर अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है, मैंने जो कुछ भी किया वो सही भी किया है या नहीं। कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा जहां मेरा हस्बैंड मुझे इतना बड़ा धोखा देगा और मैं उसके खातिर अपना ही डिसीजन चेंज कर लूंगी। पता है तुम्हें, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, तुमने मुझे बदल दिया संजू, पर मुझे ये बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज प्लीज मेरी बात, प्लीज 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 मुझसे दूर रहो संजू। मैं तुम्हारी बाहों में आती हूं ना तो कमजोर पड़ जाती हूं मैं, और मुझे अब और कमजोर नहीं पड़ना। नहीं नीति, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस चाहता था कि तुम यहां से ना जाओ। और मैंने तुम्हें रोकने के लिए क्या किया? यहां रुक गई उस इंसान के साथ जिसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। नीति तुम गलत समझ रहे हो, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। नहीं मुझे नहीं सुननी, प्लीज मुझसे बात मत करो संजू, प्लीज प्लीज। नीति हम लोग बैठ के बात करते हैं संजू। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो आज मैं काउच पर सो जाऊंगी। परी क्यों होया, पेट में दर्द हो रहा है? हाँ ताई जी, बस थोड़ा दर्द हो रहा था पेट में। जितना हो सके ना पानी पी ले, अच्छा रहेगा तेरे वास्ते। पहले निर्जल व्रत रखा था ना, सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए परेशानी हो रही होगी। नहीं ताई जी, व्रत की वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो बस सब ठीक है पुत्र। लेकिन एक बारी अगर तू मुझे बता देती कि तू व्रत रख रही है तो मैं तेनू समझाती कि प्रेगनेंसी में कैसे व्रत रखते हैं। वो तो गुरिंदर जब तुझे खाने के लिए फोर्स कर रही थी और तू मना कर रही थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि तू व्रत रखने वाली है, इसीलिए तो मैंने उसकी कुर्सी खिसका दी थी। चल मुखोल। हाय रब्बो, क्या हो गया? गुरिंदर तू मेरे नाल छेती चल, इसमें नमक और नींबू लगाते हैं ताकि डाग निकल जाए वरना सूट खराब हो जाएगा। छेती चल। आपको आपको पता था? हाँ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, दिन निकल आया था। अगर तू मुझे पहले ही बता देती पुत्र तो इतनी तकलीफ नहीं होती ना। एक्चुअली ताई जी पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये व्रत ना रखूं, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं माना। बचपन से इस व्रत के बारे में सुनती आ रही हूं, और वैसे भी हर्षिव ने कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। जानते हो पुत्र, इसलिए तुम दोनों के रिश्ते को लेकर मुझे कभी चिंता नहीं हुई है। बस अब तू आराम कर, ठीक है? ताई जी अब आप मेरे बारे में कोई भी टेंशन नहीं लोगे,
बिल्कुल चिंता नहीं करोगे मेरी? ये तो नामुमकिन है पुत्र। किस हक से तू निधि को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बोलती है? हाँ, दुश्मन से भी बुरी है तू, झूठी है। किस हक से तूने व्रत रखा संजू के लिए? हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोटी माँ, मैंने पिछले साल भी ये व्रत रखा था और इस साल यहाँ रहते अगर मैं उनके लिए व्रत नहीं रखती और रब ना करे उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे तो यही लगता ना कि मैंने ये व्रत नहीं रखा इसलिए कुछ हो गया। बाकी और कोई बात नहीं है, ये व्रत मैंने अपने रब के लिए रखा है। ना ही मुझे किसी का प्यार चाहिए और ना ही अपना हक, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये व्रत रखना ये मेरे और बाबा जी के बीच की बात थी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बात किसी को नहीं पता। आप बस नीति को ये बात मत बताना वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। आपकी बेटी जैसी हूं ना मैं, प्लीज छोटी माँ। पुराना वास्ता मत दे, एक वादा कर मुझसे। कैसा वादा? तेरा ये राज छुपाए रखने के लिए मैं एक दिन तुझसे तेरी कोई बड़ी चीज मांगूंगी, तब तू पीछे नहीं हटेगी। तो फिर तेरा ये राज रहेगा।